व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ ग्रीन हेल गेम इन माय लो एंड लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल i3 6020 बेस्ट एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ ग्रीन हेल गेम और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितने पैसे मिलता है। और गाइस, अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी लैपटॉप है तो आपको कितने पैसे मिलेगा इन ग्रीन हेल गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और गाइस, अगर आपको थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना पड़ेगा। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं इन योर स्पेक्स इन ग्रीन हेल गेम। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है ग्राफिक्स सीरीज की, कौन से ग्राफिक्स सीरीज में मैं इस गेम को चला रहा हूँ। तो मैंने रेजोल्यूशन जो रखा है वो 960x540 है। आप लोग चाहो तो इसे और भी कम कर सकते हो, जस्ट लाइक बहुत नीचे आप लोग जा सकते हो, बट मैं 960x540 भी रेजोल्यूशन पे से चलाऊंगा। ग्राफिक्स क्वालिटी को मैंने वेरी लो रखा है, तो ग्राफिक्स क्वालिटी वेरी लो और 960x540 सीरीज पे मैं इस गेम को टेस्ट करूंगा और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितने एफपीएस मिलता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ अभी गेम पे, और अभी जो मुझे एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है 22 का गाइस एफपीएस देखने के लिए मिल रहा है और 23 का एफपीएस। तो वैसे बेसिकली गाइस, जो एफपीएस शुरू में ही देखने के लिए मिल रहा है वो 20 प्लस है, जो मुझे लगता है ठीक ठाक एफपीएस गाइस अभी तक ये जो है गेम में प्रोवाइड कर रहा है इन 960x540 पे लो सेटिंग्स पे। तो मुझे इस गेम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट मुझे देख के जितना लगा कि ये गेम थोड़ा सा सर्वाइवल टाइप से, थोड़ा सा आपको मतलब एक फॉरेस्ट पे आपको खुद को सर्वाइव करना पड़ता है, ऐसा टाइप भी गेम मुझे लगता है। तो बेसिकली गाइस, तो एफपीएस जो है वो 20 मतलब जो है मिनिमम जो 20 जा रहा है, मैक्सिमम 22-23 एफपीएस जा रहा है, तो मुझे लगता है जो ठीक ठाक एफपीएस है। और ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन इज ठीक ठाक, गुड मैं कहूँगा, बट मुझे फिर भी लगा था कि तो और थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि ये उतना भी ज़्यादा कोई ग्राफिकल हाई ग्राफिकल गेम तो नहीं है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि और भी थोड़ा मैं एफपीएस जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं ये 960x540 पे लो पे खेल रहा हूँ, उसमें मुझे 20 एफपीएस मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो मैं रेजोल्यूशन वगैरह अगर ज़्यादा कर लूँ तो मुझे और भी कम एफपीएस गाइस देखने के लिए मिलेगा। बट गाइस, सिंपली मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपको और भी अच्छा खासा एफपीएस चाहिए तो आप लोग रेजोल्यूशन वगैरह को और भी कम कर सकते हो, जस्ट लाइक 800x600 या फिर उससे भी नीचे कर सकते हो। बट एंड मतलब उससे आपको थोड़ा अच्छा और भी अच्छा एफपीएस मिलेगा, आपको 30 प्लस भी हो सकते जा जाए मतलब चला जाए एफपीएस। तो सिंपली ये गेम आप लोग चाहो तो इस गेम को खेल सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीनी एनवायरनमेंट पे सर्वाइवल टाइप से आपको खुद को मतलब जो है कुछ डे तक आई थिंक सर्वाइव करना पड़ता है इसमें। एंड मुझे ज़्यादा कुछ इस गेम के बारे में नहीं पता है, तो 18 का एफपीएस गाइस देखने के लिए थोड़ा सा लैगी गेम प्ले फील हो रहा है अभी, ये डे टू में मैं खेल रहा हूँ। बट गाइस, सिंपली मैं ये कहूँगा ये गेम जो है एक्चुअली प्लेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि अनप्लेबल है या फिर कुछ है, ये गेम एक्चुअली जो है प्लेबल है। आप लोग चाहो तो इस गेम को आराम से मतलब आपके स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो। तो यहाँ पर से मुझे आई थिंक ये लेना है, मुझे ऐसे जो है चूज़ ए प्लेस फॉर स्मॉल फायर। तो मुझे ज़्यादा कुछ लिटरली पता नहीं है इस गेम के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आप लोग चाहो तो इस गेम को मैं सिंपली कहूँगा कि प्लेबल है, आप लोग खेल सकते हो, आपको ऐसा नहीं कि अनप्लेबल है गेम प्ले, बहुत ज़्यादा लैगी एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा लैगी एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है, बट आप लोग रेजोल्यूशन वगैरह कम करके और वेरी लो सेटिंग्स पे तो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से इस गेम को खेल सकते हो। और जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको थोड़ा नया गेम खेलने में भी मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए गेम को, इस गेम को थोड़ा सर्वाइवल टाइप गेम आपको खेलना पसंद है तो मुझे लगता है आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और गाइस, एज अ लो सेटिंग्स पे मैं खेल रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी ग्राफिक वगैरह और टेक्सचर वगैरह डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छा किया गया है गेम का, मतलब एज अ लो सेटिंग्स मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि एज अ लो सेटिंग्स ग्राफिक भी ठीक ठाक है, मतलब कोई हाई ग्राफिकल बहुत कुछ नहीं है, बट जो ग्राफिक है ठीक ठाक है। एंड गाइज, मैं बात करूँ अगर इस गेम की मतलब जो है प्लेबल तो ऑब्वियसली है, मैं तो सिंपली कहूँगा आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो गेम को। एंड मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे इस गेम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। आप लोग चाहो तो इस गेम को खेल सकते हो, आपको सर्वाइवल गेम खेलना अच्छा लगता है तो मुझे लगता है आप आराम से इस गेम को खेल सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, आप सब कुछ समझ भी सकते हो। मुझे थोड़ा समझ में प्रॉब्लम हो रहा है क्या करने के लिए बोल रहा है, बट आप लोग चाहो तो इस गेम को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड मतलब जो एफपीएस मिलता है उससे आप गेम को कंप्लीट भी कर सकते हो। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा गाइस, वीडियो आज के लिए इतना ही था। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस, मिलते हैं सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।